हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेन अनदर व्लॉग। और आज जो है वो थोड़ा सा बाज़ार का काम रह गया था तो उसको हमने जो है वाइंड अप किया। ये रिदा का माइयों का करारा मैंने स्टिच किया था, इसमें जो है थोड़ी पीको रह गई थी, ओवरलॉक रह गई थी, उसको जो है अभी करवा कर बस आई हूँ। और यहाँ पर जो है शादी कार्ड्स अभी ऐसी सेटिंग होके रखे हैं। यहाँ पर कुछ कराची के हैं, कुछ हैदराबाद के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन कुछ रह गए हैं अभी। इनको भी जो है आई थिंक कल या परसों जो है वो अम्मी और मुईज़ जो कराची जाएंगे, फिर वहाँ के कार्ड्स भी वाइंड अप करेंगे। और यहाँ पे आशी भी जो है वो आज चली जाएगी अपने घर। और इसने आशी ने भी जो है बारात और वलीमे का ड्रेस लेना था, ये भी लेकर आई है। आशी तुम दिखाओगी अपने व्यूवर्स को? दिखाओ। अच्छा जी, आशी जो है वो ये स्टिच लेकर आई है वाइट कलर में। ये इस पर जो है गोल्डन का काम है और आजकल वाइट जो है ना काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे मुमानी भी जो है वो सूट लेने आई थी, अभी ये बाज़ार से ही सीधी आई हैं। देखते हैं ये कैसा सूट लेके आई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे आशी के सूटों की। आशी जो है ये वाइट सूट लेके आई है। पहले आशी ने सोचा था कि ये वाला सूट जो है ये बारात में पहनोगी, उसके बाद जब हम दूसरी शॉप पर गए वहाँ हमें ये एक और सूट आशी के लिए पसंद आया, तो फिर आशी कहने लगी कि नहीं, अब बारात में जो है वो मैं ये पीच वाला पहनूंगी और वली में मैं ये वाइट वाला। अच्छा, ये वाला दिखाओ, एक सूट ये लेकर आई है आशी, ये पीच कलर में है और ये लहंगा है, बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम तीनों ही साथ गए थे, आशी में और सादिया और साथ में रिदा भी थी, तो रिदा साथ जब जाती है ना तो बहुत ही कसम से तंग करती है और इतनी थकान हो जाती है, इतना हम कुछ ले नहीं पाते जितना हम थक जाते हैं। और यहाँ मुमानी आकर बैठी हैं, लेट्स सी कि ये क्या लेकर आई हैं। अच्छा जी, मुमानी भी काफ़ी अच्छा लेके आई हैं, ये अनस्टिच लाई हैं, क्योंकि मुमानी जो है माशाल्लाह हेल्दी हैं तो इनके साइज़ का जो है वो स्टिच मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा लार्ज क्या XXL भी नहीं मिलता होगा तो इसलिए मुमानी ने जो है वो अनस्टिच लेना पसंद किया। और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका दुपट्टा भी माशाल्लाह काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छा है। ये फुल इसका ये दामन है और ये एक ये वाला लेकर आई हैं, ये आशी के ही कलर का लेकर आ गई, ये पीच, ये भी पीच है और ये भी ऐसे ही पीच कलर है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है पीच सेम। अच्छा, आशी के पीच पर जो है वो सिल्वर वर्क है और मुमानी के पीच पर जो है गोल्डन वर्क है, बहुत अच्छा है ये भी। ये अफजा के लिए लाई हो आप? अच्छा, ये अफजा के लिए लेके आई हैं, अफजा मुमानी की सबसे बड़ी बेटी है। आशी जो है वो दूसरे नंबर पर आती है, पहली सबसे बड़ी बेटी जो है मुमानी की वो अफजा है। और ये माशाल्लाह बहुत, ये शर्ट है तो ये अफजा के लिहाज से बहुत चौड़ी नहीं होगी? हाँ, क्योंकि ये मुझे अफजा के लिहाज से ना काफी चौड़ा सा लग रहा है, उसकी कटिंग में तो ये आधे से ज्यादा कटिंग में ही निकल जाएगा। हाँ, तो बस यही सही है, बहुत अच्छा हो गया शॉपिंग। आशी, तुमने दिल से लिए हैं दोनों सूट? आशी को ना इसकी चॉइस बहुत वो है, मतलब जाती है ना फिर ज़्यादा इसको फोर्स करो तो फिर दिल से तो नहीं ऐसे ही कह देगी हाँ अच्छा है, लेकिन फिर इसको ये वाकई में बहुत अच्छा लगा और इंसान का ना चेहरा पता चल जाता है कि ये दिल से बोल रहा है या ये हमारा दिल रखने के लिए बोल रहा है। एक दो दुकानों पर ये हमारा दिल रखने के लिए कह रही थी, हाँ सही है, लेकिन हम समझ गए थे इसको ये अच्छा नहीं लग रहा तो हमने वो छोड़ दिए। जहाँ इसको इसका दिल सेटिस्फाई हुआ हमने इसको वो ही दिलाया, एक ये वाला और एक ये वाइट। बस अल्लाह पाक इन सब लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे, एक बार आमीन बोल दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये पीच वाले में से ना तुम्हारी दो बच्चियों की शर्ट निकल जाएगी, ये इतना चौड़ा है अम्मी, मैं कह रही हूँ इस पीच वाले में से ना दो लड़कियों की शर्ट्स निकल जाएंगी, ये इतना चौड़ा है, क्योंकि हम सब तो वैसे इतने कमजोर। हाँ ना, दो निकल जाएंगे इसमें से। हाँ, दिमाग खराब नहीं करती होता है ना घर में, किसी किसी की जो है वो ज्यादा तंग करते हैं बच्चे अपनी शॉपिंग में। कपड़े लाए बस होती है ना किसी किसी को जो ज्यादा देर से फिर उनको पसंद आती है। चलो, लेकिन ये खुशी की बात है कि आशी ने अपने दिल से अपनी पसंद से जो है दोनों सूट लिए हैं, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है आज के व्लॉग की। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है सलाम कर दें व्यूअर्स को। दूर 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 दूर।
आप पहन के चेक करना चाहोगी इसको, जाओ पहन के चेक करो। और यहाँ जो है स्क्रीन पे अभी तक जो है यूट्यूब बहाल नहीं हुआ है, तो बस पापा वही लैपटॉप पे या मोबाइल पे न्यूज़ सुन रहे हैं। और अच्छा, हम जब बाजार गए थे ना मोमानी, सारे दुकानदार जो है ना वो मोबाइल पे जो है वो न्यूज़ सुन रहे सब इमरान खान की, क्योंकि आई थिंक टीवी पे केबल पे नहीं दिखा रहे। हाँ, और ये जिनकी LEDs पे वाईफाई चलता है तो वो यूट्यूब नहीं कनेक्ट हो रहा, तो इस वजह से बाजार में ना सारे जितने भी लोग थे ना वो मोबाइल पर ही न्यूज़ देख रहे थे। अच्छा, तो यहाँ जो है आशी ने वो ड्रेस जो है वो पहन के चेक किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब तुम तैयार होगी ना तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा है ये। इसके प्राइस क्या थे आशी? 2600 का, इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सही है, बहुत अच्छा मिल गया प्राइस के हिसाब से, पसंद के हिसाब से। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए ना वो लेना कम रेट्स में बहुत बड़ी बात होती है, और आज हमने वो चीज़ खरीदी है जो हमें दिल से पसंद आई है, हमने कम रेट्स में वो चीज़ खरीदी है। इसमें कितने कलर से? बस ये वाइट ही था इसमें, हाँ वाइट ही था। मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ जो है पूरी बच्चा पार्टी फिर से बैठी है, एक बार फिर कह दें कि सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो अभी इसको बोलना आ गया, वरना पहली दफा इसने क्या बोला था अफान? क्या बोला था? स्प्राइट कर दे। लेकिन अब बच्चे को जो है वो सब्सक्राइब बोलना आ गया है। और यहाँ गाइस आपको पता है रिदा ये क्या खा रही है? चले गैस करें कि ये क्या खा रही है। आइसक्रीम तो है। इसने रिदा ने क्या हरकत की है कि ये बाजार से मेरे साथ पापड़ लेकर आई थी और घर आने के बाद इसने आइसक्रीम ली थी, और फिर ये आइसक्रीम और पापड़ का मिक्सचर है इस बाउल में। गंदी रिदा, बहुत डेटी हो। कौन खाता है पापड़ और आइसक्रीम को मिक्स करके? अल्लाह हाफिज। आशी जा रही है आज, अब कब आओगी? पता नहीं। हाँ अभी नहीं पता कुछ। क्यों, कहाँ जा रही हो? सऊदी अरब जा रही हो? अभी नहीं बता दूँ। चलो जी, आप आशी को कब आएगी? अब डायरेक्ट शादी में आओगी तुम? चलो जी, अब आशी को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़। चलो बस बंद करो। अच्छा जी, तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।